क्या? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बिल्लू, जैसे मैं सारी रात सोया नहीं। हाँ, और मैंने सुना था बूढ़े चमगादड़ कभी सुन नहीं सकते। मिसेस पंचवानी नमस्ते। हाय, जरा देखिए, जरा सी प्रॉब्लम है। क्या है कि मुझे पता है कि आपका किराया देना है, पर पैसे जरा कम पड़ रहे हैं और वो। अरे गोली मारो किराए को सबने, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। भतीजी छिलमिलाज यहाँ आ रही है 2-4 दिनों के लिए, पर मुझे अगले हफ्ते की ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। बच्ची को वक्त नहीं दे पाऊंगी और वो इस शहर में किसी को पहचानती भी नहीं। अच्छा ये बात है, एक मिनट, इससे मेरा क्या लेना देना? नहीं, एक मिनट, तुम उसे घुमाओ फिराओ, पूरा शहर दिखाओ और इस महीने का किराया भूल जाओ, या फिर ये घर छोड़ के यहाँ से दफा हो जाओ, समझे? सामने टेबल पर कोहनिया रखकर मत बैठो, कमर सीधी रखकर बैठो, मैं लल्लुओं को भाव नहीं देती, समझे? सामने सामने मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तुम्हें शक मंजूर है या नहीं? सामने हाँ, बिल्कुल, मैं झिलमिल को जरूर घुमाने ले जाऊंगा मिसेस पंजवानी। तो फिर ठीक 4 बजे तैयार हो जाना, मुझे लल्लुओं से चिढ़ है, समझे? ये देखो बिल्लू, मैं शहीद होने जा रहा हूँ। आप जरूर झिलमिल होंगी और मैं जरूर। तुम हो सचिन? ओ आंटी, ये तो बहुत ही क्यूट है। आसो तो है, तैयार हो सब? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ, चले। तुम सड़क जरा ध्यान से पार करना झिलमिल, अजनबियों से बिल्कुल बात मत करना, और तुम मेरी झिलमिल को जल्दी घर वापस ले आना, समझ गए ना? ओ आंटी घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और तुम अपने गंदे हाथ मेरी भतीजी से दूर रखना, सामने करना। वाह झिलमिल, जानती हो मैं प्राचीन काल की चीजों की खोज करने वालों से पहले कभी नहीं मिला। बहुत दिलचस्प काम होगा, नहीं? हाँ, कभी कभी तो बहुत ही मजा आता है। मैं अभी अभी मेसोपोटामिया के एक मकबरे की खुदाई से लौटी हूँ। ओह, तुम तस्वीरें देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। देखते हैं क्या है मेरे पास। ओह, ये मेरी तस्वीर है, यहाँ मैं झिंगलाला के मकबरे में दाखिल हो रही हूँ। और ये 1000 गायों की गुफा है, और ये तब खींची थी जब मैंने झिंगीलाला का ताबीज उतारा। इसे पिछले 4000 सालों से किसी ने नहीं देखा था। देखो, दरअसल ये पनीर का टुकड़ा है, लॉकेट में जड़ा हुआ। तो कौन थी ये झिंगीलाला? कहा जाता है कि वो मक्का सौतेली बहन थी दूधी लाला की, जो मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा दूध का व्यापारी था। एक बार जब वो अपने भाई की गाय चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, तो लोगों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया। वो पागल सी हो गई और उसने कसम खाई कि एक दिन अपना बदला जरूर लेगी। शायद वो दूध से बनी चीजें हजम नहीं कर पाते थे। मैं अभी इस लॉकेट की लिखाई का पूरा अनुवाद नहीं कर पाई हूँ, पर सुना है कि जो भी इसे मकबरे से हटाएगा उस पर श्राप लगेगा। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा जब चांद का आकार 3/4 होगा। पर इसे तो मकबरे से तुमने निकाला है। ओ तुम ही सचिन, ये सारी श्राप और परिवर्तन वगैरह की बातें तो अंधविश्वास है, इन पर क्या विश्वास करना? हाँ, हाँ ठीक कहा, मेरा मतलब है इन चीजों पे क्या विश्वास करना।